हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ईवीएस सब्जेक्ट पेज नंबर 190 चैप्टर नंबर 1 माय बॉडी। माय बॉडी मीन्स मेरा शरीर। हमारी जो बॉडी है वो क्या है, एक वंडरफुल मशीन है। उसमें कई तरह के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर की साइड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, हम उसे देख नहीं सकते, बट वो ऑल टाइम क्या करते हैं, फंक्शन करता रहता है, मीन्स कार्य करता रहता है। लुक एट दिस पिक्चर, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्टूडेंट्स, इसमें हम हमारे बॉडी की जो इंटरनल मेन पार्ट्स हैं वो देखेंगे। ब्रेन, लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, लंग्स, लीवर, स्टमक, किडनीज, हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये क्या है, हमारी बॉडी के मेन इंटरनल पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन, लुक एट दिस पिक्चर। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी क्या हेल्प करता है, थिंकिंग में और रिमेम्बर में, मीन्स सोचने में और याद रखने में। और ब्रेन जो है ये मेन पार्ट है, ये पूरी बॉडी के जो हमारे अदर पार्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। टर्न योर पेज, लुक एट दिस पिक्चर। हार्ट, लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। यदि आप अपनी चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड में टच करेंगे तो आपको कुछ धड़कता हुआ महसूस होगा, वो हमारा हार्ट होता है। हार्ट जो होता है रिब केज मींस पसलियों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसे हम पंपिंग हाउस भी कहते हैं। हार्ट जो है हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। हार्ट को हमें स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए हमें लाइट एक्सरसाइज और हेल्दी फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट लंग्स, लुक एट दिस पिक्चर। ये क्या है, लंग्स है। हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, टू लंग्स होते हैं, और इसे हम एयर बैग भी कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसे क्या करता है, लंग्स उसे शुद्ध करता है, मतलब प्योर करता है। और लंग्स की मदद से ही हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, मीन्स छोड़ते हैं। किडनीज, लुक एट दिस पिक्चर। किडनीज हमारी बॉडी में टू किडनीज होती हैं। ये बीन शेप्स का ऑर्गन्स है, ये रीढ़ के दोनों ओर स्टमक के पीछे लेटी हुई होती हैं। किडनीज जो होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं, और हमारे शरीर से वेस्ट को, मीन्स कचरे को बाहर करती हैं। नेक्स्ट स्टमक, स्टमक जो है जे शेप का बैग के जैसा उसका आकार होता है। स्टमक हमारे फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, और इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, और ये हमारे फूड को 4 घंटे में डाइजेस्ट करता है, पचाता है। नेक्स्ट पेज, हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं स्टूडेंट्स, 206। हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट बोन्स, हमारे शरीर में बहुत सारी बोन्स होती हैं। वो कैसी होती हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, मीन्स स्ट्रांग होती है, वो स्किन के अंदर की साइड होती है, और वो जो होती है हमें क्या देती है, शेप्स देती है, हमारी बॉडी को शेप देती है, और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स जो होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है, और चीज़ों को पकड़ने में भी हमारी मदद करता है।
और खाने में, खेलने में, दौड़ने में, बैठने में और बॉडी को बैंड करने में भी हमारी मदद करता है। बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हमें डेली क्या करना चाहिए? मिल्क पीना चाहिए। ओके, मसल्स, मसल्स मीन्स मांसपेशियां। लुक एट दिस पिक्चर, ये बोन्स है, ये मसल्स होती हैं। मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी से, बोन्स से, सॉरी, हमारे बोन्स से कनेक्ट होती हैं, मीन्स जुड़ी हुई होती हैं। और मसल्स और बोन्स दोनों की मदद से हम बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग। और हम हमारे हार्ट और स्टमक जो होते हैं मसल्स से बने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन, गुड डे।